हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साहिल ड्राइविंग कॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। दोस्तों, ये है हमारा कार ड्राइविंग लेसन नंबर 1। दोस्तों, हम इस तरह की छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको कार ड्राइविंग सिखाएंगे ताकि आप उसको फॉलो कर सको, समझ सको और जल्द से जल्द आप कार ड्राइविंग सीखकर आगे अपने काम, जो जरूरी काम है, उसको पूरा कर सको। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं कार ड्राइविंग लेसन नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहले कार में हमको जो समझना है वो समझना ये है, इसमें कितने पार्ट होते हैं चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो पहली चीज है स्टीयरिंग, दूसरी चीज है गियर लीवर, तीसरा है पार्किंग लीवर यानी हैंडब्रेक लीवर, तीन चीजें तक इस तरफ हो गई, फिर है 1, 2 और 3। अब आप पास से दिखाएंगे उसको तब मैं बता पाऊंगा हमारे जो व्यूवर्स उनको। ये है ए एक्सेलेरेटर, डी ब्रेक, सी क्लच, ए बी सी। हम इसको एक्सेलेरेटर भी कहते हैं, थ्रोटल पेडल भी कहते हैं, गैस पेडल भी कहते हैं और रेस पेडल भी कहते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको रेस पेडल भी कह सकते हैं, आम भाषा में इसको रेस पेडल ही कहा जाता है। तो रेस, ब्रेक और क्लच। अब लोगों का सवाल ये होता है कि सर, इसमें पेडल है 3 और हमारे पैर है 2, तो हम तीनों को कैसे ऑपरेट करेंगे? तो पहली चीज समझ लीजिए, क्लच पे सिर्फ पैर, जो एक हमारा लेफ्ट पैर है वो सिर्फ क्लच पे ही रहेगा, इस पैर से दोनों ऑपरेट होंगे, रेस और ब्रेक। क्योंकि जब हम रेस देते हैं तो ब्रेक की जरूरत नहीं होती, और जब ब्रेक की जरूरत होती है तो रेस की जरूरत नहीं होती है। तो इस एक पैर से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम पैर को बीच में रखते हैं और इस तरह से ब्रेक दबाते हैं, इस तरह से रेस दबाते हैं और इस तरह से क्लच दबाते हैं। तो ये चीज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे बाद में, बट लेकिन आप इसको एक तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिए। और दूसरी चीज गाड़ी के अंदर जो इम्पोर्टेंट होती है वो है गियर लीवर। अब ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और रिवर्स, यानी 5+1, यानी ये 5 गियर और एक रिवर्स गियर है, इस तरह से इसको कहा जाता है। इसको गियर लीवर भी कहते हैं और ऑपरेटिंग लेवल लीवर भी कहते हैं। तो ये हमारे जो है गाड़ी को आगे बढ़ाने और पीछे लेने के लिए और स्पीड को कम तेज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको कहते हैं हैंडब्रेक लीवर या पार्किंग लीवर। पार्किंग लीवर इसलिए कहते हैं कि जब भी हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो गियर में डाल दिया गाड़ी को और हैंडब्रेक को खींच दिया, तो ये पत्थर की तरह काम करेगा, या बाट लगाते हैं गाड़ी में अक्सर लोग, वो पत्थर लगाने वाला काम ये करेगा। तो पार्किंग का काम ये करेगा, यानी गाड़ी को आगे पीछे जाने नहीं देगा। अगर गाड़ी न्यूट्रल भी रह गई तो एटलीस्ट ये संभाल लेगा। और इसका जो सिस्टम होता है वो पीछे के 2 व्हीलों से कनेक्ट होता है, और जब इसको ऊपर नीचे करना होता है तो हम इसको बटन को दबा के हल्का ऊपर लेके फिर नीचे करते हैं, और जब ऊपर लेना हो तो सीधा इसको खींच सकते हैं तो ये लग जाएगा। जब उतारना हो तो पहले ऊपर लेंगे और फिर दबा के उसको नीचे उतारते हैं। तो ये इस तरह से ऑपरेट करता है और आसान तरीका है और कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अब अपनी इम्पोर्टेंट चीज आ गई स्टीयरिंग। अब आप देखिए स्टीयरिंग का जो डायग्राम है, आप इसको सिस्टम को देखिए, बिल्कुल सीधा है, आप ये समझ सकते हैं। इससे आपको ध्यान रहेगा कि गाड़ी आपकी सीधी है या तिरछी है या टेढ़ी है, तो ये आपको देखने में समझने में आसान रहेगा। आपको गाड़ी जब शुरू करना जाए, चलाना लगे, तो सबसे पहली चीज किसी ट्रेनर का या ड्राइविंग स्कूल से अनुभव लें आप। अगर वो नहीं है आपके आसपास या कोई ऐसा सुविधा नहीं है तो फिर आप पर्सनली किसी अपने मिलने वाले से या उनसे सीखें। और अगर कार सीखनी है तो पहले ड्राइविंग स्कूल सीखिए, फिर सीखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज अगर कोई अच्छा अनुभवी व्यक्ति है आपका करीबी में तो आप उनसे सीखें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कार सीखने के लिए पहली चीज जो है, आपका ये लीवर खींचा हुआ होना चाहिए, हैंडब्रेक का ब्रेक दबा हुआ होना चाहिए और गाड़ी इस तरह से न्यूट्रल होनी चाहिए, एक चीज ये। दूसरी चीज हैंडब्रेक, जो आपका जो स्टीयरिंग है इसको स्टीयरिंग कहा जाता है, और टू व्हीलर में जो हैंडल जो होता है उसको हैंडल कहते हैं, इसमें इसको स्टीयरिंग कहते हैं। कार चलाने को, बस चलाने को ड्राइविंग कहा जाता है, और टू व्हीलर चलाने को, साइकिल चलाने को, हॉर्स चलाने को राइडिंग कहा जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर बैठते हैं उसके लिए उसको राइडिंग कहते हैं, और उसके अंदर हम बैठ के चलाते हैं इसको ड्राइविंग कहते हैं। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि हैंडल सीधा होना चाहिए, 4 टायर की हवा चेक करके बैठना है आपको शुरुआत करने से पहले, कि 4 टायर में हवा बराबर है या नहीं, फ्यूल चेक करके बैठना है कि फ्यूल बराबर है या नहीं। तो दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं लेसन नंबर 1 में। अब लेसन नंबर 2 जो हम बताएंगे उसमें आपको उसको गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है और रोकना कैसे, वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे। इस लेसन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।